और मात्र ये गाड़ी 7500 किलोमीटर चली हुई है, 7500 किलोमीटर चली हुई है। आप ओपन करके देखिए स्क्रीन के ऊपर से, अभी तक प्लास्टिक स्ट्रिप भी नहीं उतरी। मैं एक बात बोलूँ, मेरे हिसाब से ना ऐसी गाड़ियाँ ना लोग बहुत लेस देन में नहीं मानते ना, आई थिंक ये फर्स्ट मैंने ऐसी कवर किया है जो 7500। सर मैं कहता हूँ लग्जरी कार, सिर्फ फॉर्च्यूनर भी है। अब कस्टमर ये कहता है कि मुझे 50,000 से नीचे चली हुई गाड़ी मिल जाए, आई एम लकी। सो व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस आज आपको मैं फिर से लेकर मिस्टर कार नराना पे, एंड आज के व्लॉग में आपको मैं 3 अमेरिकन हेल्थ दिखाने वाला हूँ। आपने गेस कर ही लिया होगा थंबनेल से, बता दूँ कि आज के व्लॉग में आपको 3 फोर्ड एंडेवर्स दिखाने वाला हूँ, जिसमें दो आपकी होंगी 3.2, एक होगी आपकी 2.2। आपको बता दूँ, जैसे आपको पता ही है 3.2 वेरियंट जो है क्लोज हो चुका है, फिलहाल डिस्क्लोज हो चुका है, लेकिन एट द टाइम मिस्टर कार पे दो अवेलेबल है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में अवेलेबल है। उन पर हम आपको डिटेल वीडियो देने वाले हैं। बता दूँ जो भी हम आपको कार दिखा रहे हैं सारी गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाएंगी, ऑल इंडिया फाइनेंस अवेलेबल है, 7 ईयर्स के लिए भी फाइनेंस हो जाएगा, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको 7 ईयर्स के लिए इजीली फाइनेंस हो जाएगा। तो चलिए अब इनकी डिटेल के लिए अब बुलाऊंगा करण भाई को। आइए भाजी, भाजी की हालचाल? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? भाजी एकदम बढ़िया। सो भाजी आज के लॉग में हम फिर से लाइक टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो तगड़ी टक्कर देने वाली गाड़ी है वो एक यही है मार्केट में फिलहाल अवेलेबल। बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, संडे वाले दिन इतनी तपती धूप में मैंने तो खूब कर रहे वह करनी पड़ता ना, क्या कर भाई के लिए कंटेंट भी तो बड़े बड़े लाना पड़ता ना, करवा रहे हो है ना। ये नहीं दिखा भाई की, मैंने नहीं देख रही, करवा रहे वो इन्हें दिख रहा भैया को। और भैया वेल गुड गुड। सो भैया अब बात करें आज के लॉन्ग में जो हम तीनों गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, आई थिंक सारी आपकी लेटेस्ट ईयर के मॉडल हैं सारी गाड़ियाँ। बिल्कुल लेटेस्ट ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि एसयूवी करनी है। अब इस सरप्राइज के बाद मैं जर्मन निकालूंगा अब आपके लिए। ठीक है, बता दूं नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग पोर्श शूट करने वाले हैं, पोर्श काइन। नेक्स्ट 3 डेज के बाद आप शूट के लिए फिर अपॉइंटेड हो आप मेरे लिए। ठीक है, तो इनके बाद फिर तैयार रहिएगा कि हमें पोर्श शूट करना है। सो गाइस पोर्श काइन का भी व्लॉग जल्द आएगा, लेकिन बता दूं गाइस तीनों जो आपको गाड़ी दिखा दूं, पहले एक आपकी ब्लैक वाली यूपी नंबर है, एक वाइट आपकी डीएल नंबर है, एंड आपकी चेरी आपकी एचपी नंबर, मतलब तीनों अलग स्टेट की कार हम आपको दिखाने वाले हैं। फाइनेंस की बात करें भैया वो तो इजीली हो जाएगी, मैंने बताई को बताई दिया। बिल्कुल, आपके हर वीडियो में हम कहते हैं कि हाँ भी फाइनेंस जो है अवेलेबल है, और बैंक्स कुछ सिविल स्कोरर के लिए जो मतलब जिनको बहुत अच्छा होता है उनके लिए 7 ईयर्स का भी हम करवा देते हैं। ठीक है, उसके पैरामीटर्स होते हैं वो जब कस्टमर मीट कर लेता तो उसका इजीली हो जाता है। ओके, बस गैस इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल चाहिए इस कार के रिगार्डिंग, किसी भी कार के रिगार्डिंग, भैया का नंबर आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे भैया से कॉन्टैक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। क्यों भैया? बिल्कुल, और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है लग्जूरियस कार, सुपर कार, सुपर बाइक से। आप साइड में मेरा पेज देखा जा रहा है, यहाँ पर मुझे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे कौन सा नया व्लॉग कब आने वाला है। एंड मिस्टर कार को जाके फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सी नई कार इनकी इन्वेंट्री में ऐड हुई है। तो चलिए गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस व्लॉग को। सो गाइस आज के व्लॉग की जो आपको सबसे पहले गाड़ी दिखा रहा है वो है आपकी ब्लैक कलर की फोर्ड एंडेवर 3.2 ऑटोमेटिक वर्जन, UP14DD99 फैसी नंबर इसमें आपको मिलेगा। अभैया पहले आएंगे इस कार के डिटेल एंड फीचर पे, पहले इस गाड़ी का ना कहो कि इसकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है, मतलब फैन फॉलोइंग तगड़ी है इसकी अगर बात करें तो। बिल्कुल, फैन फॉलोइंग इसलिए क्योंकि इसने पहले हम जब फोर्ड पहले जब हम क्या कोई भी कस्टमर हो वो फोर्ड जब खरीदता था वो कहता था कि मेंटेनेंस बहुत हाई है। हाँ जी, क्योंकि पहले फोर्ड का जो प्लांट चेन्नई में है वो आपको पहले रिटेल काउंटर से स्पेयर पार्ट नहीं देता था। ठीक है, अब इसने रिटेल काउंटर्स पे अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए स्पेयर पार्ट देना शुरू कर दिया। ठीक है भैया, और इसकी मेंटेनेंस और एंडेवर की मेंटेनेंस मेरे ख्याल से बराबर ही आती, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, मैं हर कस्टमर का हर व्यूअर का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे कज़न ब्रदर के पास थी तो उनको उनके पास सी उनको यही कहते हैं कि फॉर्च्यूनर के मुकाबले इसकी मेंटेनेंस आ गई है। एंड भैया अगर मैं बात करूँ भैया जो इसकी हम अगर बॉडी बिल्ड क्वालिटी की बात करें भैया काफ़ी इसकी मतलब हैवी होती है, क्यों? फोर्ड टू टोयोटा फॉर्च्यूनर अगर हम देखें तो फोर्ड का शुरू से अमेरिकन हल्क है, और फोर्ड ने ही गाड़ी पहली निकाली थी। हाँ जी, और इसका इन्होंने आज तक अपनी बिल्ड क्वालिटी सेम रखी है। ओके, बिल्ड क्वालिटी, अब अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो उसने अपने सेफ्टी मेजर्स अपना टोयोटा का जो इंजन बिल्ट है वो सेम रखा हुआ है, फोर्ड ने भी किया हुआ है, लेकिन उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ठोस लोहा है। अच्छा,
तो इसको चलाने में और फॉर्च्यूनर चलाने में एसयूवी का फील ज़रूर है, लेकिन जो इसको चलाने का मज़ा है ना वो अनबिलीवेबल है। वो तो है भैया, लेकिन भैया इसकी राइड क्वालिटी की बात करें काफ़ी अच्छी है, एंड अगर हम बात करें जिसमें हमें गैजेट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर, उसे अपग्रेडेड काफ़ी है इसके गैजेट्स। फॉर्च्यूनर जो है वो हमें यह कहता है कि मैं आपको सेफ्टी दूंगा, कम्फर्ट दूंगा। हाँ जी। अब एंडेवियर जो है, जब उसने फॉर्च्यूनर को टक्कर देनी थी तो उसने सनरूफ, जो आज की जनरेशन की बेसिक नीड है, उसने वो कर दिया। उसने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे दिए, क्रोम एनहांस ग्रिल दे दिया विद 4 3D लोगो। ओके। और आप खुद देखें कि ब्लैक एंडेवियर कितनी एनहांस कर रही है कि हाँ बिल्कुल फ्रॉम फ्रंट टिल बैक ऑल ओरिजिनल है ये। मतलब एक भी इसमें पार्ट पेंटेड नहीं है। एक भी पार्ट इसमें पेंट नहीं है। ओके। तो भैया एक बार क्या बोलते हो, एज ये तो 3.2 वेरिएंट है, क्या बोलते हैं एक बार भाई के पास इंजन ओपन करके दिखाएं, हुड ओपन इसका बिल्कुल दिखाइए। आइए एक दिखाते हैं आपको। सो गाइस चलिए एक बार आपको इसका हुड ओपन करके दिखाएं। ये देखिए फोर्ड का ड्यूरा टॉर्क TDCi, इसमें आपको इंजन मिलता है। और बाकी भैया आपको जरा भाइयों को बताइए, 3.2 CC का इंजन है, 6 गियर ऑटोमेटिक है, और इसका ये BS4 इंजन है। ठीक है। अब जो फोर्ड आएगी वो महिंद्रा के साथ कोलैबोरेटेड में आएगी। ठीक है। उसमें 3.2 नहीं आएगा, उसमें 2.2 नहीं आएगा, उसमें 2.0 आएगा। ओके। और मतलब वो नवंबर सितंबर 3.2 आई, फिर 2.2 आई, अब मतलब 2.0 आ गया। बिल्कुल। ओके। क्योंकि BS6 में हर कंपनी ने इंजन कैपेसिटी को छोटा किया और उसका जो पावर है वो बढ़ा दिया। ठीक है भैया। जिस तरह हमारी क्रिस्टा है वो 2.8 थी पहले, अब वो 2.4 कर दी है। अच्छा। BS6 होने से ऐसे ही इसका जो महिंद्रा से कोलैबोरेशन आएगा तो अब 2.0 में लॉन्च होगी। तो भैया वैसे आपके हिसाब से आपका क्या कहना है, अगर 2.0 में आती है तो जैसी पावरफुल 3.2 थी क्या इतनी पावरफुल वो देखने को मिलेगी लोगों को? ये तो जब गाड़ी लॉन्च होगी तो ही पता लगेगा। ओके ओके। क्योंकि अभी तो मार्केट में आनी है महिंद्रा से टाई अप होने पर। ठीक है ठीक है। तो इसलिए ये 3.2 की डिमांड धीरे धीरे 2.2 की डिमांड बढ़ेगी, कि 2.0 का लोगों का भी फ्यूचर नहीं पता कि क्या है गाड़ी का, क्या किस हिसाब से परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है भैया। तो 3.2 की डिमांड तो वैसे ही ऑन द स्काई है। ओके। एंड भैया अगर हम बात भी करें एट द टाइम 3.2 वैसे भी बहुत कम अवेलेबल मार्केट में, क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड करता है ना वो 3.2 की ही करता है, 2.2 भी लेने में इंटरेस्टेड है। 2.2 में क्या कि ठीक है, हर कस्टमर को अपना शौक पूरा करना है, किसी के पास बजट कम है लेकिन उसको फोर्ड लेनी है तो वो 2.2 ले लेता है, तो वो गलत नहीं कर रहा। लेकिन जिसने ऑफ रोडिंग रोज करनी है 4x4 वो 4x4 में भी करता है, मज़ा 2.2 में भी आता है। आप देखेंगे मेरे पास नेक्स्ट गाड़ी जो हम इसके बात करेंगे मेरे पास वाइट कलर में अवेलेबल है, और 2.2 में भी मज़ा है। आप चलाओगे अभी आपको खुद पता लगेगा कि हाँ 2.2 और 3.2 में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप फील लेके बैठो ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम बात करें बेसिकली बस फोर व्हील ड्राइव का, आई थिंक फर्क आ गया। फोर व्हील ड्राइव है, कुछ फीचर्स है उसमें कि हाँ भी सनरूफ नहीं था पहले, अब उसमें सनरूफ भी निकाल दिया, तो ऐसे करके अब फीचर्स कर दिए कि उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। Okay. और जब 2.0 आएगी तो 2.2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है। तो गाइस इंजन आप देख लीजिए, नॉन एक्सीडेंटल इसका इंजन है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई वायर कटिंग नहीं है। आपके सामने नंबर है, उसको कंपनी चेक कराइए, डिटेल्स लीजिए और गाड़ी पर नेगोशिएशन करिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है। तो एक बार हम करेंगे इसको हुड को क्लोज। बहुत ज़्यादा गर्म है सही में। सो गाइस फ्रंट प्रोफाइल की बात कर दी है भैया, अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें, इसमें जो हमें अलॉयज मिलते हैं कितने इंचेस के अलॉयज मिलते हैं? सर इसमें अलॉय व्हील हमारे को मिल रहे हैं 18 इंच के। 18 इंच के बिल्कुल। एंड गाइस ये देखिए, और MRF का टायर लगता है कंपनी फिटेड, और अभी कस्टमर जो टायर चेंज करा वो गुडियर रैंगलर का कराया होगा। ओके। एंड गाइस ये देखिए यहाँ पे 3.2 ऑटो की बैजिंग आती है, बाकी भी है वही आपके फोल्डेबल मिरर्स हैं एंड बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप इंटीरियर्स एक बार अपने कस्टमर को जूम करके दिखाएं, जिससे उनको बिल्ड क्वालिटी, मेंटेनेंस क्वालिटी जो मिस्टर कार्नर है ना की है जो इस ब्रांच में मिलती है वो आपको। सो गाइस ये देखिए भैया, अगर हम बात करते हैं, अगर सेकंड रो की हम बात करें एज कम्पेयर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर, कैसे में ज्यादा स्पेस मिलती है उसकी बराबर मिलता है? सेम ही मिलता है। सेम है। आपको फर्क मिलेगा लग्जरी ब्रांड में, जैसे मर्सिडीज GL चलाएं, ML चलाएं, तो ML तो वैसे ही 5 सीटर है। अगर हम इसके हुड की बात करें, इसका बूट स्पेस अगर आप देखें, हुड मैंने आपको दिखाया, बूट देखिए नीट एंड क्लीन, और इसकी प्लस पॉइंट यह कि बाय चांस हम 5 मेंबर्स भी जा रहे हैं तो हम इसकी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड गाइस बता दूं, फिलहाल तो मेरे भाइयों को नॉलेज होगी लेकिन बता दें कि फिलहाल ये जो फोल्डिंग वाला फीचर है आपको वो बटन के थ्रू वो इसमें मिलता है, फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता। फॉर्च्यूनर में नहीं है, और ये बटन वाला सिस्टम जो है ये आपका मर्सिडीज ने लॉन्च किया था। ओके ठीक है। और बोथ द सीट्स आप देखें तो आप इसका बूट स्पेस भी बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल इसकी सीट्स फोल्ड होती है आराम से 500 लीटर प्लस बूट स्पेस आराम से मिलेगा भैया दो प्यार से। ठीक है।
ठीक है, एंड अगर हम इसको ओपन भी कर देते भैया, वहीं से बटन दबाएंगे आपकी, वहीं से राइज एंड वहीं से डाउन आपका। तो भैया मेरे हिसाब से फीचर काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। वो कह रहा ना, आज के टाइम पे इंडिया में कस्टमर जो है फीचर्स के बेसिस पे कार लेता है। सही बोल रहा है। अब ह्यूंडई देखिए, ह्यूंडई ने फर्स्ट लॉन्च किया कि यहाँ भी वरना में सनरूफ आ गया, आज ह्यूंडई की पॉपुलैरिटी है, ह्यूंडई का लग्जरी ब्रांड किया है, फीचर्स लॉन्च कर दिया, एचयूडी लॉन्च कर दिया उसने, हेड अप डिस्प्ले, वो एक पॉपुलैरिटी बनी। सही बात है। तो जैसे जैसे, क्योंकि कंपनी ने पैसे तो कहीं से निकालना है, तो वो फीचर्स बढ़ाती जाएगी। सही बात है। एंड अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे आराम से दो बड़े बड़े लगेज आराम से खड़े हो सकते हैं, अगर सेवन सीट्स भी ओपन हो जाती है। अगर मैं कहता हूँ सिक्स भी, इजीली भी सिक्स जा रहे, तब भी आपका स्पेस बहुत है। और बाकी आपका ये देखिए मेंटेन्ड इसके स्पेस भी हैं। ठीक है। सो गाइस, अब इसको हम करेंगे क्लोज, ये हो गया आपका बटन से यहाँ तक। बाकी ये देखिए, यहाँ पे आपकी आती है फोर व्हील ड्राइव की, यहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है क्योंकि फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है। सो भैया, अब मैं बोलूँगा पहले एक काम करते हैं, पहले हम इस गाड़ी के एक बार फीचर शेयर कर लेते हैं। ये फोर्ड एंडेवर यूपी 14 DD9999 गाड़ी, कौन से का मॉडल है ये? 2017 मॉडल है, ब्लैक कलर है, कितने किलोमीटर, सिंगल ओनर है, विदाउट मीटर टेम्परिंग, विद सर्विस रिकॉर्ड। और गाड़ी आप चलाओ, गाड़ी इतनी वेल मेंटेन्ड है, और इसकी आस्किंग जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2780। अब भैया ये तो जो प्राइस हुआ, जो मिस्टर कार पे कोट किया जा रहा है, हाँ। अगर कोई भाई का व्लॉग देख के आता है, उसके लिए क्या कॉस्ट ऑफर आने वाला है? तो उसके लिए कॉस्ट मैं आपके लिए इसमें ये कर सकता हूँ कि देखो, कॉस्टिंग तो सेम रहती है, ये है कि मैं इसके लिए, आप कोई भी डील आपके नाम से आएगा तो उसको मैं उसकी डिलीवरी पर इसका टैंक फुल करा कर दूँगा। लेकिन मोहित तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारी स्विफ्ट के लिए नहीं है, तुम्हारे थ्रू जो कस्टमर आएगा उसके लिए। फिक्र ना करो, करा लेता तुम्हारा भाई। हाँ, 100 रुपये आने वाला है पेट्रोल, लेकिन फिक्र ना करो भाई, करा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास तो डीजल है ना? नहीं, वो पेट्रोल है भैया, देख लो पेट्रोल होने का करा के रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्विफ्ट और एंडेवर में फर्क है। हाँ, ये भी है। तो भैया अगर हम बात करें, अगर एंडेवर की हम बात करें, कितने में इसका टैंक फुल हो जाता होगा? 6000 में? ज़्यादा 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 70 से 80 लीटर के बीच का टैंक है इसका। हाँ, तो लगा लो, आप लगा लो 85 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल है, आप कर लो कैलकुलेट। हाँ भाई, 8500-9000 का पेट्रोल ही डल जाएगा इसमें। चलो ठीक है यार, टंकी फुल मिल रहा है, क्या जा रहा है। बिल्कुल। सो गाइस, फिलहाल हमने इस कार की आपको डिटेल्स दे दी, अब हम लेके चलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं आपको सेकंड कार। बता दूँ, वो जो आप कार देखेंगे वो है आपकी 2.2 ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये आपकी 3.2 थी, अभी आपकी आ गई है 2.2 ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो भैया पहले तो आपको नंबर दिखा दूँ, DL12CQ5004। एंड भैया मैं बात करूँ फ्रंट प्रोफाइल की, डिटो सेम है, लेकिन जो इसमें ग्रिल लगी आपको लग रहा है आपको मार्केट लगा रखी है। बिल्कुल, आप अगर फोकस करें हमारी और ग्रिल्स पे भी फोकस करें तो वो सारी हमारी वो कंपनी फिटेड है। हाँ जी, कस्टमर इसका शो के, ये LED स्ट्रिप के साथ फोर्ड का लोगो है। अभी शायद मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाई भी होगा, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये जो फोर्ड जो है वो ब्लू कलर ब्लू कलर का लाइट का फोर्ड है। ठीक है। एंड भैया फीचर की बात करें, वही सामने प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स है, LED लाइट्स है, विद सनरूफ है। पहले जो 2.2 आती थी उसमें सनरूफ नहीं था, अब इसमें सनरूफ भी आता है। ओके। और ये गाड़ी जेन्युइन चली हुई है 32,000 किलोमीटर से। बात करते हैं भैया ऑटोमेटिक वेरिएंट होगा, ऑटोमेटिक वेरिएंट फोर्ड एंडेवर में अब आता ही ऑटोमेटिक है, मैनुअल तो है ही नहीं। ठीक है। एंड भैया अगर फीचर्स की बात करें, वही आपको अंदर टच स्क्रीन मिलता है, सब कुछ है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इंजन फर्क है। अच्छा भैया, मुझे चला ये बता दो, तो 3.2 एंड 2.2, अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आ रहा है मार्केट में गाड़ी लेने, 3.2 एंड 2.2 में कंपैरिजन करें तो मतलब दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस आता है, मुझे ये बता दो एक बार। सिर्फ इंजन का डिफरेंस है कि हाँ भी वो 2200 cc इंजन है, वो 3200 है, हम उसको 4x4 में कंसीडर करते हैं, इसको हम 4x2 में कंसीडर करते हैं। एंड बाकी ओवरऑल फीचर सारे सेम है? बिल्कुल सेम। ठीक है। सो गाइस, ये आपको व्हाइट कलर में अवेलेबल है, नंबर आपके सामने डिस्प्लेड है, वही जो सेम आपको सारे फीचर उसमें मिलते हैं वही सारे सेम इसमें मिलेंगे। ऑटोमेटिक सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, आपको जो उसका जो बैक वो आपका टेल गेट है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लोज हो जाता है ना भैया? बिल्कुल। तो भैया अब हम इसकी डिटेल शेयर करेंगे, ये बताइए ये कौन से का मॉडल होगा? ये 2019 मॉडल है, 2.2 है, 32,000 किलोमीटर चली हुई है, इंश्योरेंस इसकी अभी तक वैलिड है, और सिंगल ओनर है, 32.5 लाख रुपए इसकी आस्किंग है। एंड भैया अगर न्यू पे लेना था, न्यू की कॉस्टिंग आती है भैया एट द टाइम? न्यू की कॉस्टिंग जो आती है वो तकरीबन, अगर 4x2 अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो वो आती है 42 की, तो उससे ये 2 लाख रुपए सस्ती है, और 1.25 लाख रुपए डिस्काउंट कंपनी से एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब अगर कोई लेता तो आराम से 40 की और 38 से 39 लाख के बीच की बात। अच्छा, मतलब इतने की पड़ती है अगर न्यू को ले जाता। बिल्कुल। तो गाइस बाकी मैं ये बोलूँगा, आपको पता आजकल वैसे भी ना प्री ओन्ड कार का ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि भैया देखो आजकल सबको ही पता, आपको पता है जो भी हम कोई गाड़ी लेते हैं लग्जरी कार लेते हैं तो 5-10 लाख का पहले टूट जाते हैं। लॉकडाउन के बाद लोगों ने सारा लग्जरी कार्स को यूज कार से परचेज करना ज़्यादा सक्सेसफुल समझा, जस्ट बिकॉज कि नई गाड़ी कोई भी ले, चाहे आप स्विफ्ट लो कुछ भी लो, अगर उसमें 10% डेप्रिसिएशन है तो उसकी 15% है। ओके। और लाइफ अब कम हो गई है,
और अब क्या है कि लॉकडाउन के बाद गाड़ियाँ कम चली, गाड़ियाँ अच्छी मिली। अब आप ये देखिए 30-32 हज़ार ये गाड़ी चली हुई है, आप खुद देखिए गाड़ी बिल्कुल ऑल ओरिजिनल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी पेंटेड नहीं है। अगर आपको एक मेंटेन गाड़ी 32 लाख में मिलती है, और आपको पता है मैं शोरूम से 39 लाख की गाड़ी लेता हूँ, लेते ही मेरा 6 लाख रुपया टूटता है, मैं कहता हूँ 5 लाख टूट गया होता है भैया। और लॉकडाउन किसी को भी नहीं पता कब कहाँ हो जाए, और लॉकडाउन ने हमें ही बहुत पीछे कर दिया मिडिल क्लास को, और देश भी बहुत पीछे चला गया होता है। ये देखिए एक बार आपको इसका भी दिखा दूँ, एक बार इसका इंजन 2.2 है, ड्यूरा टॉर्क, इसमें भी आपको इंजन मिलेगा, और ये 2.2 का आपको इंजन ऐसा मिलेगा इसमें देखने को। तो गाइस ये देखिए, ये इसका आपको इंजन मिलेगा, नीट एंड क्लीन इंजन है भैया, वायर कटिंग कहीं पे भी नहीं की, जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ कहीं कुछ छेड़ा छाड़ी है। ठीक है, कोई छेड़ा छाड़ी नहीं। ठीक है, सो गाइस चलिए अब आपको इसका इंजन दिखा दिया, अब आपको दिखाते हैं एक बार नेक्स्ट कार का आपको इंजन आइए। सो गाइस फिलहाल इसकी डिटेल हो गई, अब आज के मौके आपको लास्ट का दिखा रहा हूँ, जो कि हमारे करण पाजी की फेवरेट है और कलर फेवरेट है, मतलब कलर मेरा फेवरेट है। ये कलर मेरे पास जब हमारी शेवरलेट ऑप्टरा आती थी, हाँ जी, ये कलर तब था मेरे पास और मेरा तब से फेवरेट कलर है। ठीक है भैया, ये गाड़ी जो है ये आपकी 2019 मॉडल है, और मात्र ये गाड़ी 7500 किलोमीटर चली हुई है, 7500 किलोमीटर चली हुई है। आप ओपन करके देखिए स्क्रीन के ऊपर से, अभी तक प्लास्टिक स्ट्रिप भी नहीं होती। मैं एक बात बोलूँ, मेरे हिसाब से ना ऐसी गाड़ियाँ ना लोग बहुत लेस देन मनी मांगते हैं, आई थिंक फर्स्ट मैंने ऐसी कवर किया है जो 7500। सर मैं कहता हूँ लग्जरी कार, सब फॉर्च्यूनर भी है। अब कस्टमर ये कहता है कि मुझे 50,000 से नीचे चली हुई गाड़ी मिल जाए, आई एम लकी, और जो गाड़ियाँ 10,000 से कम चली मिल जाए तो बंदा कहता है मैं तो हॉटस्टार मिल जाऊँ। बहुत है भैया, सही बोल रहा हूँ। एंड गाइस बता दूँ, 7500 ड्रिवन कार आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, बाकी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन भैया क्या अवेलेबल है। एंड बता दूँ जेन्युइन ड्रिवन है, नंबर आपके सामने डिस्प्ले है गाड़ी का, और ये आपकी एचपी नंबर की गाड़ी बिल्कुल, इसके ऊपर 15 साल की लाइफ पूरी है। ठीक है, बाकी वो दो कार्स जो है दिल्ली और यूपी नंबर है, उस पर 10 साल की लाइफ है। और मैं चाहूँगा कि आप कस्टमर कई बार मजाक समझे कि कम चली गाड़ी, मैं चाहूँगा कि आप इसके मीटर ऑडोमीटर पर फोकस करके कस्टमर को दिखाएं कि गाड़ी ऑल जेन्युइन है। एंड अगर तब भी तसल्ली ना हो तो शोरूम विजिट कर ले। क्यों भैया? बिल्कुल, हम बैठे भैया, मैं बात बोलूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, अगर जैसे एचपी नंबर है, अगर कोई दिल्ली का पर्सन इसको परचेज करता है आपसे, तो उसको क्या वैलिडिटी 15 साल की मिलेगी, 10 साल की मिलेगी? हम 15 साल की मिलेगी, लेकिन हम उसको जो है, क्योंकि बाहर की कार जो है दिल्ली में रजिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है, दिल्ली NCR में नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि हाँ हम उसको केयर ऑफ में वहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं, उसका एक्सपेंस एक्स्ट्रा होता है, वो आरटीओ कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो बताता है, लेकिन ये है कि वो वहाँ पे हो जाएगा, और इसको 15 साल की लाइफ पूरी मिलती है। और वैसे भी अब इस साल के अंदर अंदर है कि दिल्ली वालों के लिए भी कुछ होपफुली शायद आ जाए कि हाँ 5 साल की एक्सटेंशन के लिए, हर साल आपकी गाड़ी की फिटनेस जो हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में होती है, वैसे ही फिटनेस हमारे इंडिया में भी आ जाए। ठीक है, तो मतलब अभी मतलब कुछ संभावना है कि मतलब संभावना 10 साल के बाद भी अपनी गाड़ी को रख सकते हो? रख सकते हो, लेकिन भावनाओं को संभाल के। सही बात है भैया, ये ना हो कहीं तुम वेट करो पता चले तुम्हारे पैसे बिल्कुल मिलने हैं, वो भी ना तुम्हें मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अब मैं बात करूंगा, एक बार हमने भैया शायद हमने एक गलती कर दी, हमने शायद 2.2 का वो नहीं दिखाया, एक बार उसका और इसका हुड ओपन करके दिखाया, क्या बोलते दिखा देगा आपको दोनों गाड़ी का हुड ओपन कर दो। चलो एक बार दोनों गाड़ी का हुड ओपन करके आपको सामने दिखाता है ये। सो गाइस ये देखिए, ये आपका 3.2 वेरिएंट का इंजन आ गया, चेरी कलर की कार का, एकदम नीट एंड क्लीन इंजन है, बाकी भी आपका ड्यूरा टॉक TDCi इंजन है। हाँ जी भैया, तो भैया अगर हम बात करें तीनों में, हमें चाहे 2.2 ले या 3.2 ले, यही सेम इंजन मिलता है। बिल्कुल, बस उसके उसके पावर का जाता है, पावर का फर्क। ठीक है, तो गाइस आपने इसका भी इंजन देख लिया, आप इसको करेंगे खुद को क्लोज। एंड भैया एक बात मुझे एक क्लियर पूछना भूल गया भैया, जो 2.2 वेरिएंट है क्या उसमें भी हमें 18 इंच के अलॉय मिलते हैं? यस। ओके, तो उसमें भी 18 इंच एंड 4.4x4 में भी 18। तो गाइस बाकी भैया उससे कुछ ज़रा फीचर बता दें भाइयों का, इसके लिए फीचर जो आपके ब्लैक वाले में किए थे वही फीचर है सारे। अच्छा, बाकी आप कस्टमर को मैं चाहूँगा कि पहले एम्फोसिस करके उसका जो मीटर रीडिंग है वो दिखाओ, जिसमें कस्टमर को बिलीव आए। सही बात है, बिलीव आना चाहिए कस्टमर को कि हाँ यहाँ पे ये गाड़ी मिल रही है, और मोहित जो गाड़ी बता रहा है वो सही है, क्योंकि मोहित ने गारंटी नहीं ली हुई। सही बात है, कस्टमर गाड़ी कंपनी में चेक करवा सकते हैं। वो कर भैया बिल्कुल। अब भैया देखो आपको पता ही है, मैं तो चाहे कई कई ब्लॉग से मैं आपके शूट करता हूँ, किसी के मैं तो ये बोलता हूँ भाई देखो जो भी गाड़ी लेनी है अपनी तसल्ली करा के लो। बिल्कुल, इवन भैया चाहे मैं भी हूँ कल आपसे मैं भी परचेज करूँ, भैया देखो मैं भी अगर यार लाखों रुपए लगा रहा हूँ तो भैया मैं भी अपनी तसल्ली करके चेक कराऊंगा गाड़ी में, इतना सभी कोई इशू ना हो जाए। क्यों बनता है आपका गाड़ी पे चेक करवाना, क्योंकि आप पर हम टाटा नहीं है, बिरला नहीं है, अंबानी नहीं है, सही बात है। ठीक है, कूड़ा होगी कोई बात नहीं, कूड़ा होगी सही बात है, हमारे माँ बाप ने पहले कान उल्टे कर देने। वो तो है भैया, कि देख के चलाता तो ज़्यादा बढ़िया, देख के ले तो ज़्यादा बढ़िया था। बहुत है, लोग कहते हैं सस्ती गाड़ी मार्केट में आपको ये गाड़ी सस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन वो फ़ायदा क्या कि गाड़ी सस्ती लेकर
आप मैकेनिक के पास पड़े हो या आपको कुछ गलत मिल गया, मैं ये नहीं कहता मैकेनिक के पास, बाई चांस आपको कोई दूसरा कुछ रिपेयर आया या कुछ एक्सीडेंटल मिल जाता है, तो खड़े तो वही होगी उसी प्राइस में आके। वो तो है भैया, मतलब वही है, तुम सस्ती तो तुमने ले ली, फिर तुम मैकेनिक के पास खड़े हो, मैकेनिक के पास, पेंट के पास, घूम फिर के आपका कहानी वही आ जाती है, महंगी भी पड़ जाएगी उतने क्यों भैया। बिल्कुल। सो भैया अब हम करेंगे इस कार की डिटेल शेयर, ये फोर्ड एंडेवर एचपी नंबर कार, स्टार्टिंग करते हैं। मॉडल कौन सा ये आपका? सर ये 2019 है, एचपी नंबर है, सिंगल ओनर है, 7500 किलोमीटर चली हुई है, और इस गाड़ी की जो आस्किंग हम कर रहे हैं 3350 कर रहे हैं, 33,50,000। बिल्कुल। एंड गाइस बता दूं, ऐसी गाड़ियां बहुत रेयर मिलती है, अगर कोई प्लान कर रहा है फोर्ड एंडेवर लेने की, सो यार इस ऑप्शन के लिए जरूर जाना। कलर भी बता दूं, काफी फैसिनेटिंग इसका कलर है, एंड एचपी नंबर की कार है, 15 साल के लिए आपके इजीली वैलिड है, आपके लिए आप दिल्ली में भी चलेंगे। बाकी जो डिटेल चाहिए वो भैया आपको क्लियर कर देंगे, कैसे मेरा नंबर आपके ब्लॉग पे हमेशा अवेलेबल है, और मिस्टर कार पे मैं भी रहता ही हूँ नराना में। हाँ जी। और आई एम 24 आवर्स अवेलेबल, कि मैंने आपको यही बोला कि एंड ऑफ द डे मेरे को कस्टमर के चेहरे पे स्माइल चाहिए, वो तो है भैया, वो तो है, उसकी हर एक क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए, तो ही मजा आता है गाड़ी बेचने। सही बात है भैया। सो गाइस आई होप आज के लोग में हमने आपको फिलहाल ये तीन अमेरिकन हल्क दिखाए, तीनों आपको अच्छे लगे होंगे। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए कि कौन सी नई कार का ब्लॉग आने वाला है, प्लस साथ में आप अपनी रिक्वायरमेंट भी डालो कि आपको इन फ्यूचर आप कौन सी कार देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको वरना चाहिए। आपको बता दूँ एक बात हम आपको और क्लियर करना भूल गए, अभी बेस तक हमारे ह्यूंडई का भी कलेक्शन आने वाला है, जिसमें हम आपको वरना बिल्कुल पहले पोर्श करेंगे, ठीक है, इस वीक में मैं आपको पोर्श दूंगा, फिर उसके बाद हम ह्यूंडई कलेक्शन भी करेंगे। ओके, तो गाइस बता दो ह्यूंडई की कलेक्शन भी आने वाला, जिसमें हम आपको क्रेटा, वेन्यू एंड वरना की कलेक्शन लाने वाला है। वेन्यू भी उसमें 2020 होगी, व्हाइट कलर 2020। यस। ओके ओके, ठीक है। एंड भैया क्रेटा की हम बात करें, क्रेटा कौन सा मॉडल होगा उसमें? क्रेटा 2020 भी होगा, 2020 भी होगा, ठीक है। सो गाइस वेट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है भाई साहब, सब्सक्राइब करने के भैया जरा आप भी बता दो, कोई पैसे नहीं लगते, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चलता है कि हम सब्सक्राइब कर रहे थे उसके पैसे लगते हैं। मेरे पेटीएम से तुम्हारा, मैंने सब्सक्राइब, मेरे पेटीएम से पैसे कट गए थे, मजाक कर रहे हैं भैया, मजाक कर रहे हैं कि बंदे चैनल सब्सक्राइब करें। सो गाइस चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर कार के ब्लॉग्स के, और जो मैं अलग अलग डीलर के ब्लॉग लगता हूँ उनके आपको अपडेट मिल जाते हैं, तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में पोर्श की कलेक्शन लेके, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और इनकी एक जी वैगन की वीडियो है, वो जरूर देखना, जी वैगन अभी मेरे चैनल पे देखने को मिलने ना मिले, लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर देखने को मिलेगी, कुछ रीज़न है वो मैंने नहीं डाली अभी, कुछ बातें आपको समझाऊंगा उसका, लेकिन जी वैगन की वीडियो देखना था मेरे इंस्टाग्राम पे आके देख लेना। बिल्कुल भैया, तुमने मुझे फॉलो नहीं करा था, फॉलो आप करोगे कल, ये तो कल तुमको फॉलो करूँगा चलो। सो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई कार कलेक्शन लेके, सब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।